तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल ध्रुव और आप लोग का स्वागत करते हैं अपने गेमिंग यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। वैसे तो मैं हमेशा माइनक्राफ्ट ही खेलता हूँ पॉकेट एडिशन, लेकिन ये एक स्पेशल वीडियो होने वाला है जिसमें आज हम लोग अपने माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल वर्ल्ड में बनाएंगे खुद का बहुत बड़ा स्टैचू। मतलब मेरा नहीं, जो माइनक्राफ्ट का कैरेक्टर है ध्रुव जी, उसका आज स्टैचू बनाने वाले हैं। और ये एक स्पेशल वीडियो है, मतलब ये आएगा मेरे बर्थडे 15 सितंबर को, ठीक है, मतलब बर्थडे स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे अपना बहुत बड़ा स्टैचू बिल्ड, केक कटिंग होगा और जो डेकोरेशन वगैरह है सारी चीज इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार, हम लोग यूज करने वाले हैं अपने स्टैचू बनाने के लिए कंक्रीट का, मतलब उसमें कोई टेक्सचर नहीं होता, इसी कारण हम लोग यूज करने वाले हैं। और जो मेरा माइनक्राफ्ट का स्किन है उसमें भी कोई टेक्सचर नहीं, वो प्लेन कलर के ही होने वाले हैं, जैसे ब्लू है, रेड है, इस टाइप का कलर है, इसी कारण हम लोग यूज करेंगे कॉन्क्रीट का। और आप लोगों को पता है यार कॉन्क्रीट कैसे बनता है, रेत और ग्रेवल से मिलकर बनता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोग बता दूं, सैंड आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, हर नदी के किनारे या फिर उसका एक डेजर्ट पूरा मिल जाएगा, लेकिन ग्रेवल को ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस कारण यार मैं उसको पीयू में गया ढूंढने के लिए, माइनिंग करी ढूंढने के लिए, और वो क्या बोलते हैं, नदी के अंदर मेरे को मिला ग्रेवल, तब जाके यार मेरा जितना नीड था वो कम्प्लीट हुआ। ग्रेवल थोड़ा ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। और यार दोनों को जब मिल गया तो उसमें मैंने कलरिंग करी, जैसे कि मेरे को यह था ब्लू कंक्रीट, रेड कंक्रीट, ग्रीन, येलो, पिंक, इस टाइप का कंक्रीट मेरे को चाहिए था, है ना, तो सारे को मैंने बनाया। लेकिन आप लोगों को पता होगा यार कंक्रीट पाउडर बनता है, ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग को थोड़ा सा माथा पच्ची करना पड़ता है उसको कंक्रीट बनाने के लिए। मतलब उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओगे, मतलब पानी डालोगे, तब वो एक कंक्रीट बनता है, फुल ब्लॉक कंक्रीट बनता है। नहीं तो यार कंक्रीट पाउडर है वो एक ग्रेवल टाइप का भी होता है ना, अगर अब उसमें नीचे में अगर कोई सपोर्ट नहीं रहा तो वो खुद से ही नीचे फॉल हो जाता है, तो उसको फुल ब्लॉक बनाने के लिए पानी में डुबाना पड़ता है। तो सबको करते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और इसी में मेरा जो एक दिन का समय है वो चला गया, ठीक है। मतलब कंक्रीट बनाने के लिए मैंने सैंड है, ग्रेवल ढूंढा, उसके बाद उसको कंक्रीट पाउडर बनाया, उसके बाद उसको कंक्रीट में कन्वर्ट किया, सारा चीज़ करते करते यार मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इसमें निकल गया। अब यार मेरा जो जितना भी मटेरियल्स है ना, जो मेरी स्टैचू बनाने के लिए, वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब हम लोग को ढूंढना था लोकेशन, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने जो अभी बेस है उसके अगल बगल ही उसका एक स्टैचू बना दूँ, नहीं, मेरे को ढूंढना था एक एक्चुअल ऐसा जगह जहाँ पास वो अच्छा भी लगे और मेरे को भी पर्सनली अच्छा लगे। तो मैंने क्या किया कि आप लोगों को पता हो गया कि माइनक्राफ्ट में होता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, मतलब आप लोग का डिस्टेंस आप लोग को देखने को मिलता है, हाइट देखने को मिलता है, तो इसी का फायदा उठा के मैंने एक कोऑर्डिनेट ढूंढा 15/09/2001, मेरा जो बर्थडे डेट है वो है ना वो है, और इसी कोऑर्डिनेट पे मेरे को आज बनाना है अपना स्टैचू और वहीं पास होगा अपना केक मर्डर, मतलब केक कटिंग वाला सारा सीन होने वाला है और इसी जगह को हम लोग करेंगे पूरा तरीके से डेकोरेट। और ये चीज़ मैं आप लोग बता दूँ, जो ये जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे बेस से लगभग 2000 ब्लॉक्स दूर है, ठीक है, मतलब वहाँ तक मेरे को जितने भी अभी मैंने ब्लॉक्स वगैरह मतलब मटेरियल से कलेक्ट किया सारे चीज़ को वहाँ तक ले जाना था, ये 2000 ब्लॉक्स। अभी मेरे पास इलेक्ट्रा नहीं है, ना ही ट्रैवल का कोई अभी अच्छा सोर्स है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता होगा यार माइनक्राफ्ट में एक चीज़ है, मतलब एक जगह है जहाँ से हम लोग बहुत आसानी से लंबे लंबे दूरी तक ट्रैवल कर सकते हैं, वो जगह है नेदर। मतलब नेदर का एक ब्लॉक आपके जो ओवरवर्ल्ड के 8 ब्लॉक के बराबर होता है, इसी कारण यार हम लोग का जो ओवरवर्ल्ड है वो 2000 ब्लॉक्स हम लोग को कवर करना था, उसी को मैं नेदर के अंदर सिर्फ 250 ब्लॉक्स में ही कवर कर सकता था। तो यार एक बेनिफिट है नेदर का, तो उसी का यूज़ करते हुए मैंने नेदर में एक हाईवे बनाया और हम लोग चले गए अपने 2000 ब्लॉक्स दूर अपने लोकेशन पे, जहाँ पास हम लोग को बनना था स्टैचू। अब हम लोग को यार जो अपना लोकेशन मिल चुका था उस वहाँ तक जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए एक अच्छा सोर्स मिल चुका था नेदर, उससे हम लोग अपने बेस से लेकर उस लोकेशन तक बहुत आसानी से बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन अब जो मेन चीज़ है, हम लोग को काम करना था अपने स्टैचू बनाने के ऊपर, और जो जगह है यार उसको पूरा प्लान करना था ताकि हम लोग अपने स्टैचू बना सके, उसको डेकोरेट कर सके, थोड़ा सा सजा सके, है ना। तो उस काम में मैं लग गया, जितने भी उस जगह के पेड़ थे यार सारा, मतलब 15x15 या फिर 20x20 का जगह मैंने सिर्फ अपने जो स्टैचू बनाने के लिए क्लियर किया, है ना, जितना भी पेड़ थे वहाँ पास, मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं बर्च के पेड़ थे, सारे को मैंने कटिंग किया, उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे अपना खुद का स्टैचू। तो यार हम लोग को जो मटेरियल कलेक्ट करते हुए लोकेशन ढूंढने में और लोकेशन को क्लियर करने में हम लोग का 2 से 3 दिन ऐसे ही गुजर गया, और हम लोग का जो स्टैचू है वो भी अब बनना स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, है ना, ये मेरा ये तीसरा दिन है ना जिसमें आज हम लोग अपने जो बिल्ड है एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे बनाना।
जिसमें मैं लाइट ब्लू कंक्रीट का यूज़ कर रहा हूँ, रेड कंक्रीट का यूज़ कर रहा हूँ, और एक और मतलब लगभग चार कलर्स और हैं ठीक है कंक्रीट में, जो कि थोड़े थोड़े डिटेल्स के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम लोग इस अपने जो बिल्ड है मतलब आपको अपना स्टैचू है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यार फाइनली हम लोग को जो स्टैचू है वो तो बन के कम्प्लीट हो गया है ना, उसको बनाते हुए मैं एक बार मर भी गया मतलब ऊपर से गिर गया ठीक है। अब ये फाइनली जो अपना बिल्ड है वो कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन अब करना स्टार्ट करेंगे डेकोरेशन। इसके लिए यार मैंने जो 20x20 का पहले लिया था उसके अराउंड 20 ब्लॉक्स और लेने वाला हूँ, जिसमें मैं प्लांट करूँगा मेरे जितने भी पेड़ है ठीक है, मतलब जैसे कि डार्क ओक हो गया, जंगल वुड हो गया, ओक हो गया, इस टाइप के सारे पेड़ मैं उसके पूरे अराउंड भी करने वाला हूँ प्लांट ठीक है, ताकि अच्छा भी लगे, एक बॉन्ड वगैरह भी बनाएंगे। और मैं आप लोग बता दूँ स्टैचू के नीचे होने वाला है हम लोग को जो केक कटिंग वाला सेरेमनी है ठीक है, इसी कारण हम लोग अंडरग्राउंड भी जाएंगे और वहाँ पर अपना जो डेकोरेशन है वो भी करने वाला है, ताकि यार जो एक्चुअल लोकेशन है 15/09/2001 वो अंडरग्राउंड ही होगा ठीक है। तो इसी कारण हम लोग अंडरग्राउंड जाएंगे और अपना जो थोड़ा सा रूम टाइप का बनाएंगे जिसमें हम लोग करेंगे केक कटिंग ठीक है। तो इस काम को करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जल्दी से करता हूँ इस काम को और मिलते हैं मात्र 2 मिनट। तो यार फाइनली हम लोग का जो जितना भी बिल्ड वाला काम था वो हो चुका है कंप्लीट ठीक है। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने जगह पे जहाँ पर हम लोग करेंगे अभी केक कटिंग। ओके ठीक है, तो यहाँ पास मैंने कुछ रॉकेट्स यहाँ पास बना के रख लिए ताकि यार थोड़ा नाइट होगा तो हम लोग थोड़ा सा फायर वर्क का भी मज़ा ले लें। ओहो देख रहे हो गाइस कौन इंतज़ार कर रहा है। और इस पोर्टल के बाद है हम लोग का एक स्टैचू और अपना केक कटिंग एरिया और अपना डेकोरेशन एरिया। ओ ओ देखना नहीं था क्या, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे यार तो इस तरफ है मेरा अपना डार्क ओक जंगल, उसके बाद है ओक जंगल, उसके बाद है जंगल स्टैचू, देख रहे हो दोस्त। इस तरफ को भी मैंने खाली छोड़ा है ताकि आप लोग यार कमेंट करके बता सकते हो कि इसमें हम लोग कौन सा पेड़ हुआ है ठीक है। उसके बाद है अपना पोर्टल, एक छोटा सा पॉन्ड जिसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, और उसके बाद है मेरा दो एंट्रेंस ठीक है। ये एक एंट्रेंस है सीढ़ी वाला जो कि हम लोग के जो अंडरग्राउंड रूम है उसमें जाएगा ठीक है। अगर सीढ़ी से नहीं उतरना चाहते हो तो डायरेक्ट एक और जगह है जिसमें तुम सिर्फ जंप कर सकते हो ठीक है। एक लैंडिंग हो चुका है, उसके बाद हम लोग का है दरवाजा एंड 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 एक अपना सीट जिसमें हम लोग बैठ सकते हैं, केक मैंने सेट करके रख लिया है। और उसके बाद तुम देखोगे इस सामने का व्यू जिसमें बहुत सारे मॉब्स हैं, एक पूरा का पूरा केव है जो कि आने वाले टाइम पे हो सकता है मैं इसको अच्छा बना दूँ, और इसमें एक लस केव भी है ठीक है। इसी कारण मैंने यहाँ पर सभी ग्लास का पेंट किया है ऊपर देखो डिजाइन ठीक है। इसमें यार केक कटिंग से पहले मैं अपना जितने भी सामान है सारे यहाँ पर उतार देता हूँ और हल्का सा भूख बढ़ा लेते हैं। मेरे सारे पार्टी मेम्बर्स जिनको मैं इनवाइट नहीं किया हूँ लेकिन ये आ चुके हैं ठीक है, मेरे सारे पार्टी मेम्बर्स जाके बैठते हैं हम लोग अपने सीट पे। और तुम लोग को ये जो कोऑर्डिनेट है वो नज़र आ रहा है ठीक है, मीन्स 15/09/2001 मेरा बर्थडे का डेट ठीक है। तो
विश मी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। एंड चलो केक कटिंग करते हैं। केक कटिंग, ओह केक नहीं कट रहा, सॉरी। तो अब हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं फायरवर्क्स। तो यहाँ पास मैंने एक लीवर लिया है, इसको लीवर को दबाया, ये देखो, नाइस।